गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है गाइज भाई दूज, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी भाई दूज। और आज जो है दीदी भी निकलने वाली है टीका वगैरह करके, तो मैं नहा ली हूँ फटाफट और चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर तैयार होते हैं और फिर उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये भी हो गए, अब चलते हैं टीका कराते हैं दीदी से और वो भी आपको दिखाते हैं। टाइम हो गया 10:30, तो हम सब लोग हो गए रेडी और दीदी यहाँ पर बना रही है चौक भाई दूज के लिए। yes! सबसे बुरी बात यह है कि दीदी अभी जा भी रही तुरंत ही तुरंत ये बाहर सेंटेंस सुनो, मैंने क्या बोला, अन्वी का वीडियो गेम भाई तो अन्वी तुम क्यों जा रही हो इतनी जल्दी, क्यों जा रही हो इतनी जल्दी, बिल्कुल मन नहीं, वही तो पता नहीं, मना कर रही है मम्मा आज डैडी से बोलो कहना आज और रुके कल जाएंगे, वही तो स्कूल की दिक्कत है। जीजे जी आ गए, आज पहली बार भैया तो देख रहे थे ससुराल में, पहली बार कहाँ देख रहे, पिछली बार भी थे यहाँ, पिछली बार थे, हाँ हाँ थे। तो ये बन गए चौक, दीदी ने बना दिया। तो भाई गले को क्या हो गया ये बताओ। दो साल में क्यों भाई, रक्षाबंधन भाई दूज जो है दो बार आता है। हाँ आओ आओ गणेश मिठाई लेके आए हैं, गांव से लेके आए हैं ना, गांव से। अरे सब तो सूखी सूखी सी थोड़े से, कोई कितना कहीं ले, हैप्पी भैया दूज। अन्वी अन्वी गाइस को बताओ भाई दूज खिला दो, ऐसे दो बोल रही है वैसे। देखो इतना बड़ा टीका लगा कर दिया ये। चाचा भी आ गए, अरे दी लेट
छोटू का भी टीका हो गया। दीदी जा रही हैं, दीदी जल्दी आइएगा वापस फटाफट। जब तुम बुलाओगे आ जाओ। बाय बाय बाय। ओके तो सभी लोग जा रहे हैं, इधर बड़े वाले जीजा जी, उधर छोटे वाले जीजा जी, बुआ, बासु, सब लोग जा रहे हैं। हाँ तो अब जो है प्रियंका दीदी। ओके बाय बाय। हम लोग अकेले रह जाएंगे। बुआ जीजा जी सुप्रीम कोर्ट आगे बैठे हैं तो हाई कोर्ट पीछे है। दीदी इधर है। दीदी ठीक। ओके बाय बाय। बाय बाय। ओके फिर मिलते हैं। हाँ आना जल्दी। ओके जीजा जी बाय बाय। बाय 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 बच्चों। बाय बाय। बाय। जा रहे हैं? चलो ठीक बाय बाय। दीदी तो चली गई हैं, अब बुआ करेंगी टीका पापा के, तो चलते हैं आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा अच्छा आ गया ये प्यारा सा बच्चा। अनाया आ गई है। अनाया शूज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लाइट वाले, मैं ले लूं? बड़ी शांत है, क्या हो गया? चलो कोई नहीं, अगली बार मना लेना घर पे, कभी कभी हो जाता है ना। तो गाइस सब लोग चले गए और बुआ है अभी थोड़ी देर। दीदी को निकलना था जल्दी क्योंकि काफी ले मतलब जाना था दूर, इसी वजह से। तो मैं भाई दूज कर रही हूँ और मैं इस बार जा नहीं पाई किसी रीजन की वजह से। तो मेरे गोले पर टीका किया जाता है भैया के लिए, तो मैंने अपने दोनों भैया के लिए कर दिया है। और मैं इतनी इमोशनल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आज तक कभी भी मैंने मतलब छोड़ा नहीं है, क्योंकि हो जाता है ना लोग बाहर पढ़ने में चले जाते हैं तो कभी छूट जाता है, पर मेरा कभी ऐसे छूटा नहीं, तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा। हो जाता है कभी कभी रीजंस की वजह से नहीं जा पाते, तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी। गोले पर टीका कर दिया है और हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता है कि गोले पर टीका कर दिया जाता है तो मतलब छूटती नहीं है भाई दूज, तो इस वजह से। तो अब मैं जब भी जाऊँगी भैया पास तो उनको दे दूँगी, ना भैया आएंगे तब दे दूँगी। तो आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो वैसे तैयारी बना रहे, ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे, तो वही बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। तीन बज गए गाइस, बुआ भी चली गई हैं घर, मम्मी भी गई हैं। मम्मी वैसे जा नहीं पाती हैं, इस बार मैं थी घर पे, तो मम्मी ने सोचा कि मम्मी भी चली जाए, तो मम्मी भी चली गई हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट कर। तो गए 5:30 बज गए, मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। खाना नहीं मतलब मैं खाली बैठी हुई थी, मैंने सोचा सब्जी अब जिला बना देते हैं तब तक, तो वही कर रही हूँ। अभी वेरोनिका का फ़ोन आया, तो मेरी भतीजी है, तो वेरोनिका का फ़ोन आया और मुझे इतनी ज़्यादा और याद आने लगी, मुझे बिल्कुल वैसे ही नहीं अच्छा लग रहा था और उसकी आवाज़ सुन के और अजीब सा लग रहा है, मतलब याद आ रही है बहुत ज़्यादा। भाभी भैया सबके टीका करना और वो सब चीज़ यार ना, पूरे बच्चे और मतलब एक एक चीज़ बच्चों की याद आ रही है, भैया की तो ऑफकोर्स आएगी आएगी, मतलब पूरी फैमिली की इतनी याद आ रही है। पर मन पक्का कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से चलेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे और बस याद आ रही है।
तो चलो काम करते हैं ताकि दिमाग थोड़ा वो रहे, बिजी रहे। खाना सब बन गया है, मेथी का साग बनाया है, मूली की भुजिया बनाई है और अब मैं चाय बना रही हूँ। मम्मी भी आ गई है तो मिलकर चाय। टाइम हो गया है 9:15 और ये खाना खाने जा रहे हैं। मैं तो खा चुकी हूँ, अब खुद से चाय बना के लाए अपने आप। मैंने बनाई तब इन्होंने पी नहीं, तब हम सो रहे थे और जब हम बना के लाई तो ये सो गई। हाँ, बड़ी अच्छी नींद आई थी, अब नहीं उठाते, बहुत गहरी नींद आई थी। नहीं, हमें लगा तुमने आँख खोली ना एक बार, तो हमें लगा तुम जग रही हो। आपने गेट खोला तो मुझे वो रोक गया। कैसी बनी? गाइज, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।